बेटा कल हमने एक सिस्टम पढ़ा था, हमने कल किया था कि सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल्स इन टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कल जो हमने मेथड पढ़ा था उसमें था कि इफ वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक, तो मैंने दो क्वेश्चन आपको इसके कराए थे, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर सेवन तक बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन थे, कलम हमने किए थे। है आगे और टाइप वही, लेकिन थोड़ी सी बस फर्क है उसमें, थोड़ा सा उसमें एक एडिशन की गई है, और वो ये है कि टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें गिवन जो होगी, पहले तो हमें गिवन थी कि एक इक्वेशन लीनियर दी हुई होती थी और दूसरी इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक दी हुई होती थी। अब ये है कि हमें दोनों इक्वेशन जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक है, तो हमें टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग, जिसमें अब उसमें कंडीशन क्या दी है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी लेकिन उसके अंदर एक्स वाई टर्म नहीं होगी, एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं होगी, या एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई नहीं होगा। तो इन विच एक्स वाई टर्म इज मिसिंग एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन उसने क्या बताई है हमें कि वो ये बताई है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो। तो फिर वो क्या कहता है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हासिल हो जाएगी। गिव अ लीनियर इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्शन, कि अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हासिल हो जाएगी, और वही हमारा मेथड बन जाएगा जो कि हमने कल किया था, ये वही मेथड। अब देखिए ये कौन से क्वेश्चन है, 8, 9, 10, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 21, इसका जरा स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, 18 को लेफ्ट साइड पर ले आए तो आ जाएगा -18 इक्वल टू 0। तरतीब से लिख लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y -18 प्लस 1 -17, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी को देखें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका स्क्वायर ओपन किया, प्लस y स्क्वायर और 21 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। तरतीब से लिख लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x और 4 -21 इज इक्वल टू -17 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए वही है कंडीशन पूरी हो रही है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहां भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहां भी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और ना ही इसमें x वाई टर्म मौजूद है और ना ही इसमें x वाई टर्म मौजूद है, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हमने इसको क्या बताया था कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन वजूद में आ जाएगी, हासिल हो जाएगी। तो देखें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, यानी 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है,
x square plus y square plus 2y minus 17 equal to 0. x square plus y square plus 2y minus 17 equal to 0. सबट्रैक्ट कर दिया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और माइनस 17 प्लस 17 से कैंसिल, क्या बच गया 4x माइनस 2y माइनस 17 प्लस 17 से कैंसिल हो गया 0, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दे तो आएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। देखिए अब ये लिखा है लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन वजूद में आ गई, तो 2x यहां से अब हम लीनियर इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, 2x इज इक्वल टू y, और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 3। ये लीनियर इक्वेशन से हमने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली इस लीनियर इक्वेशन से। अब इस x या y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन दोनों में किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो क्वाड्रेटिक में दोनों में किसी एक को पुट कर मैं पुट कर दे, चलो मैंने 1 में पुट कर दिया, पुट इन 1 क्या है, 1 इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस y की जगह रखेंगे हम 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18, x स्क्वायर इसका स्क्वायर ओपन करें 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 18 को लेफ्ट साइड पर लें माइनस 18 इक्वल टू 0, तरतीब से लिख लें 4 और 1 5x स्क्वायर प्लस 4x 1 माइनस 18 माइनस 17 इक्वल टू 0। इन वन वेरिएबल आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू माइनस 17, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे हम, आपको मालूम है जैसे हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू माइनस 17 होल डिवाइड बाय 2a, 2a की वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 16 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 5 का 20, 20 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 340 होल डिवाइड बाय 10, माइनस 4 प्लस माइनस 340 प्लस 16 हो गया 356 ओवर 10। अब 356 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 18, इसके फैक्टर्स बनाए 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और 18 का स्क्वायर रूट नहीं आता उसको हमने एज इट इज लिख दिया, यहां से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, यहां बच जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस या 1 अंडर रूट 18 डिवाइड बाय 5 होगा 10 डिवाइड बाय, तो ये बेटा हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी इसमें, ये क्या है हम इसे लिखते हैं पुट इन 3, क्या है y इज इक्वल टू 2x, ये थी इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 2, अब x की वैल्यू पुट कर दें, ये जब हमने फाइंड किए माइनस 2 प्लस माइनस 89 स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय 5, तो बस ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ये सेट की ब्रैकेट ऑर्डर पेयर की ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 89 डिवाइड बाय 5,
कॉमा, अब लिखेंगे वाई वैल्यू, ये वाई वैल्यू। अगर आप इस टू को मल्टीप्लाई करना चाहें तो बेशक कर दें, ना मल्टीप्लाई करना चाहें तो ना करें, चलो मैं कर देता हूं। यह आ जाएगा माइनस फोर टू टू जर फोर प्लस माइनस, ये टू इसके साथ आ जाएगा, टू अंडर रूट 89 ओवर 5। ये ब्रैकेट क्लोज ऑर्डर पेयर की और ये सेट की ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा ये थी हमारी आज एक्सरसाइज 4.8 खत्म हो गई है। इंशाल्लाह फिर कल हम नए टॉपिक करेंगे एक्सरसाइज 4.9 के साथ। तो इसको आपने सॉल्व करना है घर पर बहुत अच्छी तरीके से, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अंडरस्टैंड ना कर पाए या कोई पॉइंट ऐसा जो आप अंडरस्टैंड ना, तो वो आप जरूर कीजिए, पूछिएगा कल नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, पहले आपने इसको क्लियर करना है। अल्लाह हाफिज़।